हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज काफ़ी दिनों बाद इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं बीच में कुछ ब्लॉग बना नहीं पाया। आज आपको ले चलेंगे क्लो में, हमारे दाड़गी क्लो में। आज देवठन है और एकादशी का देवठन आज 14 तारीख नवंबर 2021 को ये देवठन होगा। देवठन हमारे गांव का एक विशेष पर्व रहता है और आज यहाँ पे ये बड़ू बड़ा देव महाराज की कोठी है। यहाँ पे रात को बरलाज होता है और आज जागरण का भी यहाँ आयोजन है, तो आप सभी इसका आनंद उठाएं। एक विशेष परंपरा है और इस परंपरा में क्या क्या होता है, ये है बरलाज। बरलाज की तैयारी है, सारे लोग इकट्ठे होके जो यहाँ पे ये समदा लगाई है, ये लकड़ी जो इकट्ठी की है, लक्कड़ जो लगाए हैं, इसको अग्नि प्रज्वलित की जाती है और फिर पूजा की जाती है। तो ये हमारे यहाँ मेन स्थान जो पूजा का एक थड़ा जिसको बोलते हैं। तो आज देखो ये जागरण पार्टी भी यहाँ आ चुकी है। वैसे पहले यहाँ पे रामायण का आयोजन होता था, लेकिन अब समय के साथ ये सब कुछ बदल रहा है। कभी रामायण भी करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ जागरण पार्टी आई है। और ये देखो क्लास से पहले कुछ परंपराएं हैं, ये निभाई जाती है। क्लास कैसे शुरू होता है, ये सभी लोग देखो गाँव के लोग आ रहे हैं। खुले में सभी लोग पहले क्लास की पूजा करते हैं और वहाँ पे सभी सतनाजा लाए हैं। ये पत्था बोलते हैं हमारे, जो ये कंटेनर आपको नज़र आ रहा है, इसमें पत्था एक नापने का एक बर्तन होता है जिसमें अनाज को पैमाना एक रहता था, अनाज को कैसे नापा जाता था। तो ये पाथा हमारा पुराना एक बर्तन होता था जिससे अनाज को नापा जाता था। तो इसमें अपनी फसल से सतनाजा इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे प्रहलाद के ये यहाँ पे सतनाजे से पूजा करते हैं, सब आहुती देते हैं। तो पहले तो ये रहता है कि प्रहलाद को मेन प्रहलाद जलाने से पहले यहाँ पे एक स्थान पे हम इकट्ठे होते हैं जहाँ पे दो तरफ अग्नि लगाई जाती है। देखो ये हमारा देवता जी का ढोल नगाड़ा ये धुन बज रही है और इस धुन के साथ ही प्रहलाद का आयोजन शुरू होने वाला है। तो सारे गांव के जो हमारे नगरी खानदानी हैं या जो और हमारे गांव के लोग हैं, सभी लोग आए हैं यहाँ पे। पहले पूजा अर्चना होगी और दो तरफ सरहक्कड़ बोलते हैं, एक जो कैक्टस का एक रूप होता है सरहक्कड़, सूरी भी बोलते हैं कई जगह इसको, इसके सूखे जो लकड़ होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। और फिर दो पार्टियाँ देखो ये लगा रहे हैं, ये सूखे वो सरहक्कड़ है और दो तरफ लगाए जाएंगे ये, और फिर इसमें आग लगा के फिर इसके जो मशाले होती है उनको घुमा घुमा के ऊपर फेंकते हैं और इधर उधर फेंकते हैं और एक बहुत अच्छा दृश्य होता है ये देखने का। तो ये देखो तैयारी हो रही है अभी और ये जल बड़ा जल्दी जलता है ये, और हल्का होता है ये लकड़। जब अभी इसको जलाएंगे, जब ये थोड़ा आगे से जलेगा तो इसको फिर हाथों में लेके मशाल की तरह इसको घुमाएंगे और फेंकेंगे एक दूसरी पार्टी की तरफ, लेकिन इससे कोई चोट नहीं लगती। ये एक तरह का खेल है। और जब ये पूजन अभी सतनाजे का पूजन होने के बाद फिर ये प्रहलाद ये शुरू होगा, इसको घुसुए बोलते हैं हमारी भाषा में, घुसुए खेले जाएंगे। और घुसुए खेलने के बाद फिर जो बचे हुए होते हैं, जो ये लक्कड़ बचे रहेंगे, फिर इनको हाथ में ले जाके जहाँ प्रहलाद हमने अभी पीछे देखा, जहाँ पे वो लक्कड़ इकट्ठे करके लगाए गए हैं, वहाँ पर फिर जाके इन यहाँ से बचे हुए जो मशाल होगी, मशालों से फिर वहाँ पे उससे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। तो अभी सभी लोग देखो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और अपने जो ये सतनाजा लाए हैं और दीपक जलाए हैं, ये अब इसमें यहाँ पे जो ये शट्टे खड़ी की गई है, शट्टे होती जो हमारे सूखी हुई मक्की का ये जो भूसा है ये खड़ा रखा है यहाँ पे, ये एक तरह का हवन होता है प्रहलाद का, शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जल चुके हैं लोग यहाँ पे, ये तो वो है सरहक्कड़ जो अभी तैयारी होगी दो टीमों की। अब पूरे गांव के लोग देखो यहाँ पे अब सतनाजा लेके इकट्ठे हैं और अब अपने दीपक से सभी लोग ये जो शट्टी है इसको प्रज्वलित करेंगे। इसमें अग्नि देखो ये प्रज्वलित हो रही है और सभी लोग अपनी आहुति के रूप में यहाँ पे इसको प्रज्वलित कर रहे हैं ताकि ये सभी के
उसे सुजन्य से बलाज का आयोजन होगा। तो ये सामूहिक अब सभी लोग क्या है कि इसमें आहुति देंगे। ये जल गया है, पूरे गांव के लोग जो सतनाजे लाए हैं, ये पत्थर में जो सतनाजा लाए हैं, तो सभी लोग ये देखो आहुति देने लगे हैं। और आहुति देते हुए यही प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, इस ज़मीन पे जो हमने हमारे ये फसल हुई है, ये आपको अर्पित है, और इस यहाँ पे जितने भी लोग बस रहे हैं, ये सब धन धन्य हो, यहाँ पे शांति रहे, स्वस्थ रहे, मतलब इस तरह से संपन्नता की एक प्रार्थना की जाती है। तो सभी लोग बिल्कुल अब यहाँ पे इकट्ठे हो के, बुजुर्ग नौजवान सभी घरों से ये आहुति यहाँ पे दी जाती है। जलाएंगे उसके पश्चात फिर जो खुशुए खेलने वाला जो आपको सरकट दो टीमों ने जलाए हैं, इसके अलावा जलाए हैं वो अब छाले उठाएंगे। हाँ देखो उठा दिए, देखो वहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अब आगे थोड़ी देर घुमाएंगे, और देखो उस तरफ भी आपको दूसरी टीम वो भी घुमा रही है, फिर उसको गोल गोल घुमा के बहुत अच्छा सीन बनता है ये। तो अंधेरे में इस वक्त कैमरे से कोशिश कर रहा हूँ इसको कैच करने की, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखो आतिशबाजियाँ भी, अब खुशी का माहौल है, तो यहाँ पे लगातार शॉट फेंके जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये रात का सीन सच में बहुत ही मनमोहक होता है। और पहले हमें इस त्यौहार की बहुत इंतजारी रहती थी, और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें मनोरंजन की हो गई है, लेकिन इसका फिर भी आज के डेट में बहुत महत्व है। तो सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखो इसको जला के अब जो इसको पूरी तरह से जला लेते हैं, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हाँ इसको छोड़ दिया, जितना जला जहाँ आहुति दी है तो इसको पूरी तरह जलाएंगे, क्योंकि जो मेन बरलाज है यहीं से जो आग ले जाएंगे, जो ये मशाले जाएगी, जो बची हुई जो भी खेलेंगे, जिसको पहले खेलेंगे, जो खेलने के बाद जो बचेगी उनसे उन मशालों से ही बरलाज को ज्वलित किया जाएगा। तो ये देखो अभी दो टीमें खेलने शुरू हो गई, और देखो इस तरह से ये सभी बेधड़क होके घुमा रहे हैं और खेल रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता फेंकेंगे, पहले तो ये शो रहता है कि पहले यूँ घुमाएंगे, एक अच्छा सीन क्रिएट होता है ये। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अब एक दूसरे की तरफ थ्रो करेंगे इसको, पहले ऊँचा फेंकते फिर एक दूसरे को थ्रो करते हैं। और आप दूसरी तरफ भी देख रहे होंगे, नज़र आ रहा है ये बहुत ही मज़ेदार होता, दूर से देखने का इसका अलग से बड़े वाले कहाँ चले गए, मज़ा आता है। बड़े वाले बड़े दूर चले गए रे, बड़ी पुरानी परंपराएं हैं ये, इसको सजोए रखना हम सभी का फर्ज है। हम लोगों को सभी को इन परंपराओं को आगे चलाने में सहायता करनी चाहिए, और इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इसके बारे में हमारी परंपराओं को याद रखे और इसको आगे बढ़ाए। तो सेफ्टी के साथ करते हैं सब कुछ, ये शुरू हो गया। ये अपने आप में बिल्कुल अलग थलग सा, ये हिमाचल में तो होता है, पता नहीं और जगह भी शायद होता होगा, और ये हमारे गाँव में कई जगह, ये देहात में इस तरह के फंक्शन दो पार्टीज एक दूसरे की तरफ फेंक रही है। वाह, बहुत दूर से मैं भी कैमरा लेके थोड़ा दूर खड़ा हूँ, लेकिन ये मेरे सामने गिर गया है। और देखो उठाया था, लोरे लो लो, बहुत दूर दूर है ये, इतना जल्दी लगता नहीं, परंतु फिर भी विजिलेंट रहना होता है ऐसे में। तो ये बस थोड़ी देर यहाँ पे चलेगा। हाँ तो बस ये आपको एक बताने का अलग से एक ये त्यौहार था, इसको कवरेज करने का एक थोड़ा सा मेरा मन था कि क्यों ना इसको शूट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो आप लोग शायद आपके भी होते होंगे, आप भी इस चीज़ को शेयर करना कि आपके अगर इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। हमारे
तो देवठन कहते हैं, कई जगह मगरौली कहते हैं, मतलब हर गांव का ये अलग से त्यौहार होता है। एक दिन तो सभी जगह नहीं मनाया जाता, ये हर गांव में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। तो ये देखो तो यहाँ से ये खेल ख़त्म हो गया है, बस उस तरह की यहाँ से जो आग को लेके हम ये बुजुर्ग सभी लोग अब आग को लेके हम पहुँच गए हैं मेन मंदिर के पास। अब मेन मंदिर के पास जो यहाँ पे ये बरलाज लगाया गया है, बरलाज पहले ही की जो शेप दे दी गई है ये जो आप देख रहे हैं। अब वहाँ से ला के सभी लोग जो मशाले लाएंगे, जो ये जलाई हुई मशाले हैं, अब यहाँ पे गीता जी का जो बाजा बजता रहेगा और फिर उससे प्रज्वलित करेंगे। ये लाए हैं, अब इससे इस बरलाज को प्रज्वलित किया जाएगा जो सारी रात भर चलता रहेगा। तो ये था हमारे इसका प्रयोजन और ये आयोजन, और ये अब सारी रात इसके इर्द गिर्द सभी लोग जनता खड़ी रहेगी और ये सेक भी देता है। और बरलाज का अपना एक महत्व है, आपके हिमाचल में तो बहुत जगह बरलाज को पूजा जाता है, मनाया जाता है, और इस बरलाज की अलग अलग गाथाएं हैं। पहले रामायण भी इसके चारों तरफ लोग घूम घूम के रामायण गाते थे, अभी भी गाते हैं खैर बहुत जगह, लेकिन इस बार हमारे इस गांव में नहीं हो रहा है ये रामायण का आयोजन। इस बार यहाँ पे जागरण का आयोजन है। तो बस आपसे यहीं मैं विदा ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा जागरण का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाऊँगा, तो आप बने रहें, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय महाराज जी से स्थानीय ग्रामदेव से स्थानीय इस भूमंडल विराजमान में ग्राम माता से हलो हलो। तो सभी ने अपने अपने कुल देवी को याद करते हुए इस पावन रूप में पूजा अर्चना करनी है, जयकारे से अभिवादन करना है, अपने अपने कुलदेव को याद करना है, अपने अपने पूर्वज मित्रों को नमन करना है और
सर्व कार्य को सिद्ध करने वाले माँ गौरव जी के लाल जी को निमंत्रण देते हुए अपने अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के नौ रूपों को ध्याते हुए नौ ग्रहों को ध्याते हुए और देव पांडु बारा जी महाराज जी के इस शर्म स्थल में हम विराजमान अनुमति लेते हुए आगे रहते हुए बोल सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की जयकारा वैष्णो माई जी दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा स्थानीय ग्राम माता दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा गौरव जी दा लाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा देव बाधु बाड़े महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की जयकारा मनसा रानी जी दा बोल सच्चे दरबार की जयकारा वैष्णो माई जी दा बोल सच्चे दरबार की।